नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि तरंग समीकरण जो होती है उसका हल कैसे करते हैं और उसका हल किसके रूप में करते हैं, गोलीय निर्देशांक के रूप में। इसमें देखो हमने हल जो एक हल निकाला था वो था टी बराबर अपने पास ए ई की पावर प्लस माइनस आयोटा ओमेगा टी। तो एक हल हम जो हमने निकाला था वो क्या था, टी बराबर ए ई की पावर प्लस माइनस आयोटा ओमेगा टी। इसके बाद बेटा जो हमने अगला हल निकाला था, इसके बाद जो निकाला था इसको हमने दिया था समीकरण नंबर 3 था या 4 था, ठीक है। इसके बाद जो आगे किया था वो अपने पास आगे सोल्व करने पर समीकरण आया था डेल 2 साई प्लस में के स्क्वायर साई बराबर 0। और ये कौन सा समीकरण था, ये हेल्म होल्टेज का समीकरण था। इस हेल्म होल्टेज के समीकरण को बेटा हम किसके रूप में हल करेंगे, अब इस हेल्म होल्टेज के समीकरण की बात करते हैं। जो ये अपने पास किसका था, हेल्म होल्टेज समीकरण, इसका हल निकालेंगे बेटा किसके रूप में, गोलीय निर्देश तंत्र के रूप में। तो इस हेल्म होल्टेज समीकरण का हल निकालेंगे गोलीय निर्देश तंत्र के रूप में, हेल्म होल्टेज समीकरण का हल। और हेल्म होल्टेज समीकरण का जो यहां से हल आएगा वो अपने पास क्या आएगा, तो बेटा देखो वो आएगा 1 अपोन में आर स्क्वायर डेल अपोन में डेल आर। अंदर क्या है, तो अंदर अपने पास है आर स्क्वायर डेल साई अपोन में डेल आर, ठीक है। आगे का जो मान है वो है 1 अपोन में आर स्क्वायर साइन थीटा। अंदर क्या है, साइन थीटा डेल साई अपोन में डेल थीटा, लेकिन बाहर भी है बेटा डेल अपोन में डेल थीटा। अंदर का मान क्या है, साइन थीटा डेल साई अपोन में डेल थीटा। प्लस में क्या आता है आगे, 1 अपोन में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल 2 साई अपोन में डेल फाई स्क्वायर। और प्लस में देखो ये इसकी जगह मान रखा गया, खाली डेल की जगह, डेल का सॉल्यूशन होता है गोलीय निर्देशांक के रूप में ये वाला डेल साई का। प्लस में अपने पास आगे का मान क्या था, के स्क्वायर साई, तो के स्क्वायर साई बराबर किसके हो गए बेटा, 0 के। देखो यहाँ पर हम लगाएंगे चरों की पृथक्करण विधि, और चरों की पृथक्करण विधि से दोबारा यहाँ पर मान क्या आएगा, चरों की पृथक्करण विधि से क्या होगा बेटा अपने पास, तो यहां से मानेंगे साई जो है उसको किसके रूप में मानेंगे, साई आर थीटा और फाई। गोलीय निर्देश तंत्र के हो गए 3 मान, आर थीटा और फाई। तो यहां से जो अपने पास मान आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल आर मान लिया आर के लिए, एच मान लिया थीटा के लिए, और जी मान लिया किसके लिए, फाई के लिए, यानी कि क्या आएगा, आर एच जी हो गया। अब ये मान हमें पुट करना है ऊपर वाले समीकरण में, तो क्या आएगा, देखो पुट करोगे बेटा आर का पद है तो एच जी तो आ गया बाहर, अपोन में आर स्क्वायर डेल अपोन में डेल आर, आर स्क्वायर डेल आर अपोन में डेल आर हो गया बेटा। अगले में देखो एच का पद है तो अपने पास बाहर आ गया आर जी अपोन में आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपोन में डेल थीटा। अंदर क्या बचा, साइन थीटा डेल एच अपोन में डेल थीटा। प्लस में अगला जो पद है वो किसका है, जी का है, तो आर और एच कहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ गया आर एच अपोन में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल 2 साई अपोन में डेल फाई स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर। इसमें साई के मान के तीनों पद आएंगे और तीनों पदों का क्या आएगा, आर एच जी बराबर 0। हर जगह हमने मान रख दिया, बट आप क्या करो, जो हर बार हम करते हैं देखो, इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, आर एच जी का भाग देते हैं। तो आर एच जी का भाग देने पर दे दो, आर एच जी का भाग क्या आएगा, ये हो गया एच जी अपोन में आर स्क्वायर आर एच जी डेल अपोन में डेल आर, आर स्क्वायर डेल आर अपोन में डेल आर। प्लस में आर जी अपोन में क्या आएगा बेटा, अगला जो मान यहाँ से आएगा वो ये आया आर एच जी आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपोन में डेल थीटा साइन थीटा डेल एच अपोन में डेल थीटा
प्लस में क्या आएगा, आर एच अपोन में आर एच जी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इंटू में क्या था डेल टू साई अपोन में डेल फाई स्क्वायर, प्लस में के स्क्वायर आर एच जी अपोन में आर एच जी बराबर 0। बेटा यहाँ पर एच जी से एच जी कैंसिल हो गया, आर जी से आर जी कैंसिल हो गया, आर एच से आर एच हो गया, और आर एच जी से क्या कैंसिल हो गया, आर एच जी। तो अपने पास जो मान बचा वो मान देखो, यहां से अपने पास जो मान आया वो क्या है, तो अपने पास यहां से मान आ गया वन अपोन में आर स्क्वायर कैपिटल आर डेल अपोन में डेल आर, अंदर क्या है आर स्क्वायर डेल आर अपोन में डेल आर हो गया मान। आगे का मान क्या है, इसके बाद अपने पास जो अगला मान था वो है वन अपोन में एच आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपोन में डेल थीटा, अंदर हो गया साइन थीटा डेल एच अपोन में डेल थीटा, प्लस में क्या आ गया वन अपोन में जी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अंदर क्या है डेल टू साई अपोन में डेल फाई स्क्वायर, प्लस में के स्क्वायर बराबर 0 हो गया मान। बेटा क्या करो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से गुणा कर दो इसको, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करने पर, करो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से गुणा क्या आएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपोन में आर स्क्वायर आर डेल अपोन में डेल आर, आर स्क्वायर डेल आर अपोन में डेल आर, ऊपर आ गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपोन में एच आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपोन में डेल थीटा साइन थीटा डेल एच अपोन में डेल थीटा, प्लस में क्या आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपोन में जी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इंटू में क्या आएगा डेल टू साई अपोन में डेल फाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 0 हो गया मां। कटे जो उसको काट दो बेटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर साइन थीटा से आर स्क्वायर साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये कंप्लीट कैंसिल हो गया। तो अपने पास और यहां पर क्या आ जाएगा, गुणा होगा तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर के साथ गुणा में होगा। अब आगे देखो इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, अपने पास जो मान आएगा यहां से तो ये आया साइन स्क्वायर थीटा अपोन में आर डेल अपोन में डेल आर आर स्क्वायर डेल आर अपोन में डेल आर, प्लस में साइन थीटा अपोन में एच डेल अपोन में डेल थीटा साइन थीटा डेल एच अपोन में डेल थीटा, प्लस में क्या आएगा आगे का मान यह आया वन अपोन में जी डेल टू साई अपोन में डेल फाई स्क्वायर, और लास्ट में आ गया के स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 हो गया। बेटा इन सारे पदों में देखो ये जो पद है ये अकेला फाई का पद है, मतलब ये नियत पद है, ठीक है। तो हम इसको मानेंगे, यहां पर माना माना वन अपोन में जी डेल टू साई अपोन में डेल फाई स्क्वायर बराबर, इसको हमने मान लिया माइनस एम स्क्वायर के बराबर। यहां से मान क्या आएगा वन अपोन में जी, या इसको लिख लो सीधा डेल टू साई अपोन में डेल फाई स्क्वायर बराबर माइनस जी एम स्क्वायर, यानी कि यहां से मान आ गया डेल टू साई अपोन में डेल फाई स्क्वायर प्लस में जी एम स्क्वायर बराबर 0। ये द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, और बेटा इसका जो हल होगा जी का जो मान आ गया अपने पास वो माना क्या है बी ई की पावर प्लस माइनस आयोटा एम फाई, वहां पर टी के रूप में था ओमेगा टी आ गया, यहां पर एम माना है और किसके रूप में है फाई के रूप में, तो क्या आ गया एम फाई हो गया। ये मान वापस यहां पर रखो इस वाली जगह पर, ठीक है। माना इसको दे दिया हमने यहां पर समीकरण नंबर कितना, तो पिछले वाले में कितना दिया था देखो, पिछला वाला जो अपने पास था उसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो एक दो ज्ञात मान आया, इसको नंबर 3 दे रखा है तो इसको दे दिया हमने नंबर 4, ठीक है। इस वाले को कितना दे दिया नंबर 4, यानी कि ये वाली समीकरण तो 3 नंबर थी और ये वाली कितनी नंबर थी 4 नंबर, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 में मान रखा ये आ गया अपने पास, इसके बाद आगे देखो क्या किया आर एच जी का भाग देने पर, इसको दे दो आप समीकरण नंबर कितना 6,
ठीक है। और ये जो समीकरण आई है ये कितनी होगी, नंबर 7। तो ये जो मान है ये कहां पर रख दो, समीकरण 7 में मान रखने पर। रखो 7 में मान क्या आएगा, जब 7 में रखेंगे तो आएगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा अपोन में आर डेल अपोन में डेल आर, आर स्क्वायर डेल आर अपोन में डेल आर प्लस में साइन थीटा अपोन में एच डेल अपोन में डेल थीटा साइन थीटा डेल एच अपोन में डेल थीटा माइनस एम स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। मतलब 1/2 में आपका जो जी का मान था उसकी जगह हमने उसका मान रख दिया। अब देखो यहां पर करो क्या, साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दो। किसका भाग दे दो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा का। तो दे दो साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर क्या आएगा, जब भाग देंगे अपने पास तो ये आया साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, कितना बचेगा 1/2 में आर डेल अपोन में डेल आर स्क्वायर डेल आर अपोन में डेल आर। यहां पर एक साइन से एक साइन कट जाएगा तो अपने पास बचेगा क्या 1/2 में एच, और नीचे क्या आ जाएगा एक बच गया नीचे साइन थीटा डेल अपोन में डेल थीटा साइन थीटा डेल एच अपोन में डेल थीटा माइनस में एम स्क्वायर के अपोन में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर कट गया तो प्लस में हो जाएगा के स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर किसके हो गया 0 के हो गया। इस वाले समीकरण की हम बात करते हैं, देखो भाग देने के बाद अपने पास ये वाला समीकरण आ गया। अब इसको आगे कैसे सोल्व करते हैं वो देखो बेटा, अपने पास जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये जो मान है के स्क्वायर प्लस का इसके साथ रख दिया आर वाले के साथ, और थीटा वाला मान कहां पर ले गए हम, दूसरी तरफ ले गए। तो थीटा वाला मान जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, माइनस तो प्लस में बन जाएगा और प्लस किस में आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो आगे देखो क्या करना है। तो अपने पास बेटा जो मान आया वो यहां से क्या आएगा, वो आएगा 1/2 में आर, आगे क्या था डेल अपोन में डेल आर, अंदर था आर स्क्वायर, इसके बाद क्या आया था डेल आर अपोन में डेल आर हो गया। इसके बाद का जो मान था बेटा के स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस का था, इस तरफ रखा दूसरी तरफ देखो माइनस वाला क्या होगा प्लस का, तो माइनस का एम स्क्वायर अपोन में साइन स्क्वायर थीटा था, ये दूसरी तरफ जाके कैसा हो गया प्लस का हो गया, और प्लस वाला मान ये था ये कैसा हो गया एच साइन थीटा, अंदर क्या आएगा डेल अपोन में डेल थीटा, इसके बाद साइन थीटा डेल एच अपोन में डेल थीटा, ये वाला जो पद आया अपने पास ये कैसा हो गया दूसरी तरफ चला गया। अब बेटा दोनों तरफ एक एक पद हो गया, हम इसको मानेंगे तो इसको सबसे पहले दे दो आप समीकरण नंबर 9। ठीक है, यहां पर माना देखो एम स्क्वायर अपोन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 में एच साइन थीटा डेल अपोन में डेल थीटा साइन थीटा डेल एच अपोन में डेल थीटा बराबर किसके बराबर मान लिया, इसको हमने इसको मान लिया एल एल प्लस 1 के बराबर, ये नियतांक है एल एल प्लस 1 इसके बराबर हमने इसको मान लिया। तो माना तो देखो यहां से बेटा मान जो अपने पास आएगा वो क्या होगा, अगर हम यहां पर ये मान कैसा है तो यहां पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 1/2 में एच साइन थीटा डेल अपोन में डेल थीटा साइन थीटा डेल एच अपोन में डेल थीटा, फिलहाल इसको माइनस रहने दो, प्लस में एम स्क्वायर अपोन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस एल एल प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। पक्षांतरण करके इस तरफ ले लिया इसको, अब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा ये हो जाएगा प्लस का एच साइन थीटा डेल अपोन में डेल थीटा साइन थीटा डेल एच अपोन में डेल थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा एल एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। माइनस कॉमन लेते हैं, अंदर के निशान क्या होंगे बेटा बदल गए अपने। अब इसको क्या करो एच स्क्वायर या एच साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करने पर, किससे गुणा कर दो इसको एच साइन स्क्वायर थीटा से हमने इसको गुणा कर दिया तो अपने पास जो मान आएगा वो क्या आएगा, देखो गुणा करोगे एच से एच कट गया साइन से साइन कट गया ऊपर बच गया एक साइन थीटा डेल अपोन में डेल थीटा, अंदर का मान क्या है ये आएगा साइन थीटा
डेल एच अपॉन में डेल थीटा, प्लस में ये क्या हो जाएगा, देखो एच बाहर लिखेंगे हम, एल एल प्लस वन साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में एम स्क्वायर, साइन से साइन कट जाएगा, और बाहर क्या है एच बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। अब यहां पर हम मानते हैं, माना एक्स बराबर किसके मान लिया हमने, कोस थीटा के बराबर लिया, एक्स को मान लिया किसके बराबर, कोस थीटा के बराबर मान लिया। तो यहां से जो मान अपने पास आएगा वो क्या होगा, देखो डेल अपोन में डेल थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, तो इसको लिखा जा सकता है अपने पास डेल अपोन में डेल थीटा हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल अपोन में डेल एक्स इंटू में डेल एक्स अपोन में डेल थीटा लिख सकते हैं बेटा, काटने पर वो का वो मान आएगा, और यहां से इसका कर दो तो क्या आएगा, डेल अपोन में डेल थीटा बराबर डेल अपोन में डेल एक्स इंटू एक्स थीटा के सापेक्ष इसका करोगे क्या आएगा अपने पास एक्स का मान, तो ये होगा माइनस साइन थीटा हो गया। यानी कि यहां से जो अपने पास वैल्यू आ गई वो वैल्यू क्या होगी बेटा, तो यहां से जो वैल्यू अपने पास आई वो आई डेल अपोन में डेल थीटा बराबर माइनस साइन थीटा डेल अपोन में डेल एक्स। ये जो मान है बेटा इस वाले समीकरण को दे दो समीकरण नंबर 10, ये जो मान है ये कहां पर रख दो, समीकरण नंबर 10 में रखो। तो देखो जब समीकरण 10 में मान रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, क्या लिखो, समीकरण समीकरण 10 में मान रखने पर, रखो समीकरण 10 में मान, जब हम ये मान समीकरण 10 में रखेंगे तो देखो बेटा क्या आएगा अपने पास, ये है साइन थीटा इनटू में माइनस साइन थीटा डेल अपोन में डेल एक्स, इसकी जगह रख दिया जो मान था, अंदर क्या है साइन थीटा इनटू में डेल अपोन में डेल थीटा की जगह क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, ये हो गया डेल एच अपोन में डेल एक्स, प्लस में आगे का मान वो का वो एल एल प्लस वन साइन स्क्वायर थीटा माइनस एम स्क्वायर एच बराबर जीरो, वो का वो मान आगे का, तो यहां से क्या आएगा देखो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डेल अपोन में डेल एक्स, माइनस और माइनस क्या हो गया अंदर वाला प्लस का हो गया, साइन स्क्वायर थीटा डेल एच अपोन में डेल एक्स, प्लस में एल एल प्लस वन साइन स्क्वायर थीटा माइनस एम स्क्वायर एच बराबर क्या हो गया जीरो। बेटा यहाँ ऐसे का ऐसे हमने यहाँ पे मान निकालेंगे, यहां से क्या आएगा देखो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा होगा नहीं होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा मान, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर, हमने पहले भी किया ये कही, तो यहां पर मान आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर डेल अपोन में डेल एक्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर डेल एच अपोन में डेल एक्स, प्लस में एल एल प्लस वन वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एच बराबर क्या आ गया जीरो। ठीक है, ये पद अपने पास यहां से आ गया बेटा, अब इसको आगे हमें सोल्व करना है, तो देखो क्या आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो ये जो वन माइनस एक्स स्क्वायर कहां पे है, गुणा में इसका कर दो भाग, डेल अपोन में डेल एक्स क्या हो गया, वन माइनस एक्स स्क्वायर डेल एच अपोन में डेल एक्स, प्लस में इसका यहां पे भाग जाएगा तो क्या आएगा, एल एल प्लस वन माइनस में एम स्क्वायर अपोन में वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया एच बराबर जीरो। यानी कि यहां पर हमने किया क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर का भाग दे दिया, भाग देने पर आ गया अपने पास, जब भाग देंगे तो मान ये वाला मान आ गया। अब इस मान को हमें आगे सोल्व करना है, तो देखो आगे बेटा कैसे सोल्व होगा, ये मान u इंटू वी है लगा दो, तो ये आया वन माइनस एक्स स्क्वायर डेल टू एच अपोन में डेल एक्स स्क्वायर, इसके बाद देखो प्लस आना चाहिए लेकिन ये क्या होगा क्या, प्लस में डेल एच अपोन में डेल एक्स इंटू में क्या आएगा, डेल अपोन में डेल एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, और लास्ट का मान बेटा अपने पास ऐसे का ऐसा है, एल एल प्लस वन माइनस एम स्क्वायर अपोन में वन माइनस एक्स स्क्वायर एच बराबर जीरो। कर दो सोल्व, आगे मान क्या आएगा अपने पास जब सोल्व करेंगे इसको, तो यह आया वन माइनस एक्स स्क्वायर डेल टू एच अपोन में डेल एक्स स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा, ये तो जीरो ही होगा एक्स का, माइनस टू एक्स
डेल एच अपॉन में डेल एक्स प्लस में एल एल प्लस वन माइनस एम स्क्वायर अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर एच बराबर किसके हो गया जीरो के। और बेटा ये जो समीकरण है ये होती है यह सह लेजेंड्रे अवकल समीकरण। कौन से समीकरण है ये? सह लेजेंड्रे अवकल समीकरण है और इसका जो हल होगा वो होगा एच बराबर सी एल एम। क्या है इसका हल? एच बराबर सी एल एम पी एल एम एक्स, ये होता है बेटा इसका। ये मतलब हमने तीसरी यूनिट में पढ़ते जो तीसरी यूनिट थे अपने पास, तो यहां से एच बराबर क्या आएगा सी एल एम पी एल एम और इसका मान कितना है एक्स बराबर कोस थीटा। ये हमने बेटा एच का मान निकाल दिया। देखो हमने मान क्या क्या निकाल दिया, एक तो हमने एच निकाल दिया, एक हमने जे निकाल दिया, ठीक है, एक हमने टी का मान निकाल दिया, तीन मान हो गए, एक दो और तीन, एक मान और बाकी है बेटा अपने पास आर का, क्योंकि चार के रूप में फलन आ रहा है अपने पास, साई के तीन पद आ गए और एक टी का, तो चार के रूप में मान निकालकर सारे के सारे मान समीकरण दो में रखने आ जाएंगे अपना उत्तर। तो हमने तीन पद निकाल दिए, अब हमें आवश्यकता किसकी है? आर का मान निकालने की। तो देखो बेटा आर का मान निकलेगा कैसे, इसको समझो। तो देखो बेटा आर का मान कैसे निकलेगा, हम करेंगे वन अपोन में आर जो अपने पास पद था, डेल अपोन में डेल आर, आगे क्या आएगा आर स्क्वायर डेल आर अपोन में डेल आर प्लस में के स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर एच का पद था इसके बराबर में, जिसको हमने किसके बराबर माना था एल एल प्लस वन के बराबर। तो यहां पर भी ये किसके बराबर माना जाएगा बेटा एल एल प्लस वन के बराबर। तो यहां पर मान क्या आएगा देखो आगे, वन अपोन में आर डेल अपोन में डेल आर आर स्क्वायर डेल आर अपोन में डेल आर प्लस में क्या होगा के स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल एल प्लस वन बराबर हो गया जीरो। यानी कि क्या आएगा डेल अपोन में डेल आर आर स्क्वायर डेल आर अपोन में डेल आर प्लस में के स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल एल प्लस वन और ये किससे गुणा हो जाएगा आर से बराबर क्या हो गया जीरो हो गया अपने पास मान। अब इस मान को आगे सोल्व करना है, तो देखो इस मान को आगे हम कैसे सोल्व करेंगे, तो बेटा अंदर से क्या करो आप, यहां से देखो डेल अपोन में डेल आर आर स्क्वायर डेल आर अपोन में डेल आर के स्क्वायर आर स्क्वायर अंदर से कॉमन ले लो, क्या बचा वन माइनस एल एल प्लस वन अपोन में के स्क्वायर आर बराबर जीरो हो गया। अब क्या करो के स्क्वायर आर का भाग दे दो बेटा, यहां पर किसका भाग दोगे आप के स्क्वायर आर का, उससे पहले क्या करो अंदर आर स्क्वायर एक आर बाहर निकाल दो, तो क्या होगा एक आर बाहर निकालने के बाद अपने पास ये होगा डेल टू अपोन में डेल आर 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 भाई एक यहां से बाहर निकाल दिया हमने बराबर क्या आएगा बेटा प्लस में आगे का मान देखो यहां से है के स्क्वायर आर स्क्वायर वन माइनस एल एल प्लस वन अपोन में के स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर जीरो। आप दे दो के स्क्वायर आर का भाग देने पर दो भाई के स्क्वायर आर का भाग क्या आएगा अपने पास, यहां पे आ जाएगा बेटा अपने पास जो मान आएगा वो आर अपोन में के स्क्वायर आर डेल टू अपोन में डेल आर स्क्वायर आर आर प्लस में के स्क्वायर आर स्क्वायर अपोन में के स्क्वायर आर वन माइनस एल एल प्लस वन अपोन में के स्क्वायर आर बराबर क्या आ गया जीरो। बेटा के स्क्वायर से के स्क्वायर एक आर से एक आर गया, एक आर से एक आर गया, क्या बचा वन अपोन में आगे का मान के स्क्वायर डेल टू अपोन में डेल आर स्क्वायर आर आर प्लस में क्या आएगा यहां से जो मान अपने पास आया वो वन माइनस एल एल प्लस वन अपोन में के स्क्वायर आर स्क्वायर और ये हो गया आर आर बराबर जीरो। तो क्या करो यहां पर मान डेल टू अपोन में डेल इसको अंदर ले लो के आर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर आर आर प्लस में वन माइनस एल एल प्लस वन अपोन में के स्क्वायर आर स्क्वायर और ये हो गया आर आर बराबर जीरो। ये हमने एक समीकरण यहां पे निकाल दिया और यहां पर क्या मानेंगे कि माना एक्स बराबर किसके है के आर के, एक्स को किसके बराबर मान लिया k
के आर के बराबर मान लिया, तो जो अपने पास मान आएगा देखो वो क्या आएगा यहां से, अब के आर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, तो ये आ गया डेल टू, वन अपोन में आर था ही अपने पास पहले का ना, नहीं अपने पास डेल टू अपोन में डेल एक्स स्क्वायर। अंदर क्या बचा बेटा, जब ये मान रखेंगे तो हम आर आर प्लस में वन माइनस एल एल प्लस वन अपोन में एक्स स्क्वायर आर आर बराबर क्या हो गया जीरो, ये मान आ गया अपने पास बेटा। इस मान का जो हल होगा देखो यहां पर आगे क्या करेंगे, ये हमने मान रख दिया और यहां पर हम मानेंगे माना आर आर जो है उसको किसके बराबर मान लिया, तो ये मान लिया वाई रूट एक्स, आर आर को किसके बराबर माना है वाई रूट एक्स, तो रखो मान अपने पास, जब रखेंगे तो मान क्या आएगा इसका, ये आएगा डेल टू अपोन में डेल एक्स स्क्वायर, आर आर की जगह आ गया वाई रूट एक्स, प्लस में क्या आएगा वन माइनस एल एल प्लस वन अपोन में एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई रूट एक्स बराबर जीरो, रख दिया मान। अब यहां पर इसका अवकलन करेंगे तो बेटा अवकलन जो होगा अपने पास देखो वो क्या आएगा, इसको अवकलन करना है दो बार करना है, तो अपने पास मान आया देखो रूट एक्स को मैं सीधा लिख रहा हूं यहां पर, आप करके देख लेना मान यही आएगा डेल टू वाई अपोन में डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में क्या आएगा वन अपोन में एक्स डेल वाई अपोन में डेल एक्स, और माइनस में आएगा वाई अपोन में फोर एक्स स्क्वायर, इस पूरे को हल करने पर ये वाला मान आएगा। प्लस में क्या है अपने पास, ये है वन माइनस एल एल प्लस वन अपोन में एक्स स्क्वायर वाई रूट एक्स बराबर किसके हो गए बेटा जीरो के, ठीक है, ये मान अपने पास आ गया। अब इस मान को देखो रूट एक्स और रूट एक्स दोनों में से कॉमन आ रहा है तो हट जाएगा, क्या बचेगा डेल टू वाई अपोन में डेल एक्स स्क्वायर, प्लस में वन अपोन में एक्स डेल वाई अपोन में डेल एक्स, माइनस में वाई अपोन में फोर एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या है वन माइनस एल एल प्लस वन अपोन में एक्स स्क्वायर वाई बराबर क्या हो गया जीरो, ठीक है। अब बेटा जहां जहां पर वाई अपना कॉमन आ रहा है वो ले लो, तो वाई यहां पर और कॉमन आ रहा है तो क्या आएगा डेल टू वाई अपोन में डेल एक्स स्क्वायर, प्लस में वन अपोन में एक्स डेल वाई अपोन में डेल एक्स, यहां से कॉमन आएगा वाई तो अपने पास क्या बचा प्लस वन माइनस वन अपोन में फोर एक्स स्क्वायर माइनस एल एल प्लस वन अपोन में एक्स स्क्वायर, आगे का जो मान है अपने पास वो क्या है देखो बेटा वाई आ गया कॉमन बराबर किसके हो गया जीरो के। अब इस पद को हम आगे सोल्व करते हैं, देखो अपने पास जो समीकरण आ गया इस समीकरण को आगे सोल्व करते हैं, तो इस समीकरण को आगे कैसे सोल्व किया जाएगा, लघुत्तम ले लो यहाँ पे, जब हम लघुत्तम लेंगे इस जगह पर एक्स स्क्वायर लघुत्तम आएगा, मतलब सबको एक्स स्क्वायर से गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर डेल टू वाई अपोन में डेल एक्स स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा एक्स डेल वाई अपोन में डेल एक्स, यहां पर मान क्या आएगा अपने पास देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस में ये हो जाएगा वन अपोन में कितना फोर, और ये हो जाएगा एल एल प्लस वन अपोन में एक्स स्क्वायर चला गया वाई बराबर जीरो, मतलब एक्स स्क्वायर से क्या किया हमने गुणा कर दिया, गुणा करने पर आ गया अपने पास ये वाला मान गुणा करने के बाद। अब आगे देखो इसको सोल्व हमें करना है बेटा, तो यहां पर इस पद को और भी आगे सोल्व कर सकते हैं, तो करो इस पद को एक्स स्क्वायर डेल टू वाई अपोन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स डेल वाई अपोन में डेल एक्स, और यहां पर मान क्या आएगा ये हो गया एक्स स्क्वायर, और इसको कर दो देखो इसको करोगे तो ये आया यहां से मान जो आएगा वन अपोन में फोर माइनस एल स्क्वायर प्लस में एल होगा, ये आ गया मान वाई बराबर जीरो, ये भी माइनस का होगा बेटा, तो यहां से मान क्या आएगा एक्स स्क्वायर, आगे का जो मान आएगा वो क्या आएगा एक्स स्क्वायर के बाद का मान देखो अपने पास, तो यहां से मान आया डेल टू वाई अपोन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स डेल वाई अपोन में डेल एक्स, ये मान हो गया एक्स स्क्वायर, यहां पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, मतलब यहां पर जो आएगा वो हो जाएगा एल प्लस में एक बटे दो का होल स्क्वायर, और ये आगे माइनस आ गया इसका कॉमन, ये हो गया वाई बराबर जीरो, ये अपना मान यहां से आ गया, और कैसे आया देखो तो बेटा एल का स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया सबका हमने, प्लस में क्या आएगा एक बटे दो का स्क्वायर, और प्लस में आया दो गुणा में एल और गुणा में एक बटे दो,
ये लिखा है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये इसके बराबर ये लिख लो, आ गया मान। तो ये जो मान था इसको सोल्व करने पर अपना ये वाला मान आ गया, ऊपर वाला मान। और बेटा ये जो ऊपर वाला मान है ये क्या कहलाता है, तो अपना जो ऊपर वाला मान है ये कहलाता है बेसल अवकल समीकरण। कौन सा अवकल समीकरण आ गया अपने पास, बेसल अवकल समीकरण आ गया। और बेसल अवकल समीकरण का मान एल प्लस वन बाई टू के लिए आया है। तो इसका जो हल होता है बेसल अवकल समीकरण का, वो देखो क्या होता है। तो बेटा जो बेसल अवकल समीकरण आया था उसका हल अपने पास होता है वाई बराबर एन जे, ये वैल्यू है एल प्लस वन बाई टू के लिए, और आगे क्या है एक्स, ये होता है उसका हल। अब इस हल की जगह जब हम उसका मान रखेंगे तो देखो क्या आएगा, वाई का जो मान है वो क्या होता है, तो देखो वाई बराबर हमने जो माना था वो क्या माना था, आर आर बराबर माना था वाई रूट एक्स। तो यहां से आर बराबर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा देखो आर की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वाई रूट एक्स अपॉन में का, यही होती है बेटा। और इसका मतलब यहां से देखो अगर हम वैल्यू रखते हैं वाई, ये हो जाएगा रूट के आर अपॉन में आर। क्यों, क्योंकि एक्स बराबर किसके बराबर माना था हमने, के आर के बराबर माना था, यहां से इसकी वैल्यू आ गई है। अब इसको सोल्व करते हैं हम आगे, देखो तो यहां पर जो मान अपने पास आएगा आर का मान, तो आर का मान अपने पास क्या आ गया बेटा, ये हो गया रूट के आर अपोन में वन अपोन में आर भार, यही आएगा अपने पास मान। और वाई की जगह वाई का मान रखो क्या आएगा, एन जे एल प्लस वन बाई टू एक्स आ गया मान। ये जो मान है इसको आप क्या लिख सकते हो, आगे देखो आर बराबर क्या आएगा, यहां से आ गया रूट के आर अपोन में अंदर जाएगा के आर स्क्वायर हो गया। ये जो मान है वो है एन जे एल प्लस वन बाई टू, और एक्स का मान कितना है बेटा के आर, हमने यही माना था यहां पर। आगे सोल्व कर दो, आर बराबर अपने पास आ गया एक आर से एक आर कट गया, रूट के अपोन में आर एन जे एल प्लस वन बाई टू के आर, ये जो मान है ये किसका मान आ गया, आर का मान आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा एक तो आर का मान हो गया अपने पास, दूसरे की बात करते हैं, दूसरा वाला जो मान आया हमने निकाला था आर से पहले वो किसका मान निकाला था, वो निकाला था एच का मान। ठीक है, एच का मान क्या आया था अपने पास, तो जो एच का मान अपने पास आया था वो आया था सी एल एम पी एल एम कोस थीटा। इससे पहले जो हमने मान निकाला था इससे पहले वो जी का मान था, और जी का मान कितना आया था अपने पास, ये आया था बी ई की पावर प्लस माइनस आयोटा एम फाइव हो गया। इससे पहले हमने टी का मान निकाला था और टी का मान आया था ए ई की पावर प्लस माइनस आयोटा ओमेगा, ये चार मान हमने यहां से निकाले। बेटा जो पद की बात करते हैं समीकरण नंबर दो पर आते हैं, अब समीकरण दो में देखो, समीकरण दो से क्या था अपने पास, साई डैश जो था वो मान किस किस के रूप में था, ये वाला मान अपने पास बेटा साई के रूप में था और टी के रूप में था, इसको हमने लिखा था साई कैपिटल टी। ठीक है, अब देखो साई का जो अपने पास मान है साई डैश, ये मान आर के रूप में है, थीटा के रूप में, फाई के रूप में, और लागे आ गया टी, यानी कि यहां से क्या आएगा आर एच जी टी, साई की जगह रख दिया आर एच जी। आर का मान अपने पास है, एच का भी है, जी का भी, और किसका है टी का, तो अपने पास जो यहां से मान आएगा साई डैश आर कोमा थीटा कोमा फाई कोमा टी, आर का मान कितना आया रूट के अपोन में आर एन जे एल प्लस वन बाई टू के आर, एच का मान कितना आया सी एल एम पी एल एम आगे क्या है कोस थीटा, इसके बाद जी का मान कितना है बी की पावर प्लस माइनस आयोटा एम फाइव, और इन टू में ए का मान कितना है प्लस माइनस आयोटा ओमेगा टी, ये बेटा निकाल दिया हमने तरंग समीकरण का हल निकाला है, किसके रूप में निकाला है गोलीय निर्देशांक के रूप में। अब देखो अगर मानना चाहो तो अपने पास ये तीन है, सी एल एम है एक तो अपने पास, ठीक है, दूसरा क्या है इसके अलावा बी है और ए है, तीनों को सी एल एम इन टू बी और इन टू ए बराबर किसके मान लो डी के, और इन सारों को हटाकर यहाँ पर क्या रख दोगे डी रख दोगे, बात हुई। ठीक है, तो ये अपना हो गया गोलीय निर्देशांक के रूप में तरंग समीकरण का हल। और बेटा इसी के साथ जो अपनी यूनिट है वो हो गई खत्म, मतलब आपकी दो यूनिट कंप्लीट हो गई और आपका जो सिलेबस था वो भी खत्म हो गया। ठीक है बेटा, थैंक यू।